बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू खबर, न्यू जुर्माना आ चुका है जी। मैंने बोला आप भाइयों को अपडेट करता चलूं। अगर कोई भी किसी किस्म की आप मजाक की सूरत में अपने, अच्छा होता क्या है, पाकिस्तानी वैसे टैलेंट तो बहुत है इनमें। आप यकीन करें, आपने नेट के ऊपर इनकी कुछ वीडियोस देखी होंगी, ये मुख्तलिफ जानवरों की खुद से आवाज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। और अगर आप मुंह से ये आवाज़ ऐसी निकाल रहे हैं, फिर भी आप इसी ज़ुमरे में आएंगे। किस ज़ुमरे में, मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखा देता हूँ। और 50,000 का 50,000 रियाल का फ़ाइन है। और इसमें ये है जी, फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हैं तो फिर आपको 1,000 से 3,000 तक का फ़ाइन है, और सेकंड टाइम आपको 50,000 तक का फ़ाइन होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और वाजह कर दूँ। मैं उतरी वीडियोज़ में आपके साथ जुर्मानों के मुतालिक आपको अपडेट करता रहता हूँ। उसकी रीज़न ये होती है जी कि आप भाई कोई किसी किस्म की गलती ना, ऐसी भी आपको अगर इल्म ही ना हो, आप गलती कर लें तो आपको फ़ाइन तो हो जाएगा। अगर बंदे को पता ही नहीं है, अभी पता ही नहीं है मुझको कि यार पब्लिक प्लेस के ऊपर मैंने सेल्फी लेनी है, पीछे दूसरे बंदे भी आ रखे हैं, अगर वो क्लेम कर दे तो मैं तो भाई, मेरे ऊपर केस बन सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं मालूमात के लिए, इसलिए शेयर करता हूँ। जैसा कि हाल ही में मैंने, मेरे सामने एक ऐसा केस भी आया, जो भाई को 1 साल की कैद हो चुकी थी और उनके ऊपर 1,800 रियाल का या 1,000 रियाल का, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, ये फ़ाइन भी था, यानी कि उनकी तरफ से ये फ़ाइन पे कर दिया गया था, लेकिन जो जेल की सज़ा थी उनकी, उसको 10 माह हो चुके थे। अभी बात ये है जी कि वो क्यों, कि इकामा उनका गुम हो गया था, उन्होंने न्यू कॉपी निकाली और उसमें एक फिगर जायद हो गया था, उनका इकामा नंबर जो था ना उसमें एक फिगर का इजाफा हो चुका था और उनको इस चीज़ के मतलब इल्म ही नहीं था। हालांकि उसमें उस उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब चेकिंग हुई है तो वहाँ पर जब उन्होंने बोला कि इकामा तुम्हारा असली है लेकिन फिगर का इजाफा है, इसलिए तुमको 1 साल की कैद और 2,000 का या 1,000 का जितना भी फ़ाइन था जी इस चीज़ के ऊपर। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये होगा, ये रात को मैंने एक साथ वीडियो शेयर की, इकामा के मतलब भी 1,000 का जो फ़ाइन न्यू मुतारफ करवा दिया है वो किस सूरत में है। और अगर आपका खुदा न खास्ता इकामा गुम हो जाता है तो मैं आज रात ही वो एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ 200 से 250 रियाल लगाकर कैसे अपनी कॉपी खुद से ओरिजिनल निकाल सकते हैं, कोई भी किसी किस्म की आपको टेंशन होने वाली नहीं है। अभी इस फ़ाइन के मतलब आपको अपडेट करता हूं। फ़ाइन ये है जी कि आप चाहे, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, आप अपने मुँह से किसी ऐसी पार्क में खड़े होकर या किसी ऐसी जगह के ऊपर खड़े होकर जहाँ पर चिरिंद परिंद हैं, वहाँ पर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। मैं जैसा कि जजान से आगे सभी से आगे टॉप ऑफ द फीफा, यहाँ पर शायद एक आध उनकी मतलब आपको पिक्चर वगैरह ये वीडियो वगैरह दिखा रहा हूँ, उन इलाकों में रह चुका हूँ तकरीबन 1 साल। तो वहाँ पर तो परिंदे और चिरिंद परिंद और सांप और बिच्छू तो बहुत थे भाई, तो ये इलाकों के मतलब खासकर। और अगर आप किसी पार्क वगैरह में खड़े होकर मजाकिया तौर पर आप किसी को दाना डालकर उसको, किसी परिंदे को अपने जाल में फंसा रहे हैं या आवाज़ निकाल कर, या यहाँ पर आपको साथ में मैं अभी एक छोटा सा क्लिप सुना देता हूँ, आप सुन लें। इस टाइप का अगर आप साउंड चलाकर परिंदों को रागब कर रखे हैं अपनी तरफ ताकि उनको पकड़ा जा सके, इनमें कबूतर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप ये थोड़ा छोटा सा क्लिप सुन लें। जी, तो ये परिंदों की आवाज़ें निकल रही हैं, इस टाइप का आप कुछ चलाते हैं ताकि परिंदे आएँ और आपने जाल वगैरह बिछाया हुआ है और आप उनको पकड़ लें, तो इस सूरत में 50,000 रियाल तक का फ़ाइन है जी। फर्स्ट टाइम आप ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो आपको 1,000 से 3,000 रियाल का फ़ाइन, एंड सेकंड टाइम आपको 50,000 रियाल तक का फ़ाइन हो सकता है इस चीज़ के ऊपर। तो एहतियात कीजिएगा किसी भी सूरत, यानी कि मजाक की सूरत में भी ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा।